स्वागत है आपका। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, पहले इसे देख लें फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस को एक सेपरेट एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में वर्ल्ड वॉर वन के बाद इस्टेब्लिश किया गया। वर्ल्ड वॉर वन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था इस सब्जेक्ट के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे। क्यों? वर्ल्ड वॉर वन का जो एक्सपीरियंस था वो एक डिवास्टेटिंग, एक दर्दनाक एक्सपीरियंस था हर किसी के लिए, चाहे वो इस वॉर के विनर्स हों USA, ब्रिटेन, फ्रांस, या इस वॉर के लूजर्स हों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। हर किसी ने अपने सैनिक खोए थे, हर किसी को सिविलियन लॉस हुआ था। और चाहे वो एक पॉलिटिशियन क्यों ना हो, या एक स्कॉलर हो, या एक कॉमन पर्सन हो, कोई नहीं चाहता था कि वर्ल्ड वॉर वन की जैसी घटना दोबारा हो। कोई भी वर्ल्ड वॉर वन का रिपीटेशन नहीं चाहता था, इस दर्दनाक एक्सपीरियंस को कोई दोबारा महसूस करना नहीं चाहता था। ओके, तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वर्ल्ड वॉर वन दोबारा रिपीट ना हो, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने थे। व्हाई वॉर बिगिन, युद्ध होता ही क्यों है, वॉर होता ही क्यों है, सबसे पहले हमें यह जानना था, काउजेज ऑफ वॉर। ओके, उसके बाद हमें यह समझना था कि कंट्रीज आखिर एक दूसरे से लड़ती क्यों है, वो अपने डिस्प्यूट्स को किसी और तरीके से क्यों नहीं सुलझाती, नेगोशिएशन से क्यों नहीं सुलझाती। जब कंट्रीज को ये पता होता है कि वॉर से किसी को भी कोई एब्सोल्यूट गेन नहीं होने वाला है, उसके बावजूद भी कंट्रीज आपस में लड़ती क्यों है। एब्सोल्यूट गेन का मतलब है कि अगर एक कंट्री किसी वॉर में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसका जो लॉस होगा उस कंट्री का वो जीरो होगा और सिर्फ गेन होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंट्री चाहे जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे लॉस फेस करना ही होगा, उसका लॉस कभी जीरो हो नहीं सकता। ओके, तो एब्सोल्यूट गेन किसी भी कंट्री को नहीं होता, इसके बावजूद भी कंट्रीज आपस में लड़ती क्यों हैं? ओके, मैं यहां पर निविल चैम्बरलिन को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था, निविल चैम्बरलिन यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था, इन वॉर देयर आर नो विनर्स बट ऑल लूजर्स। ओके, तो ये स्थिति है, जब कंट्रीज को कोई एब्सोल्यूट गेन नहीं होता तो फिर कंट्रीज आपस में लड़ती क्यों हैं? इन क्वेश्चंस को आंसर करना हमारे लिए जरूरी था, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वर्ल्ड वॉर वन जैसी घटना दोबारा नहीं घटे। ओके, और इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें एक सेपरेट एकेडमिक सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की स्थापना करनी पड़ी। और इंटरनेशनल रिलेशंस के इस डिसिप्लिन के अंतर्गत, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो सबसे पहला डोमिनेंट थ्योरी आया, जिस थ्योरी ने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की, वो एक लिबरल थ्योरी था। लिबरल थ्योरी का मतलब कि ये जो अप्रोच है, ये जो थ्योरी है, ये लिबरलिज्म से प्रभावित था। तो लिबरल IR थ्योरी सबसे पहला इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत डोमिनेंट थ्योरी था। ओके, जिसने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की। एक बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि मैं यहां पर आइडियलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। हमारे वीडियो का टाइटल ही है आइडियलिज्म। मैं यहां पर लिबरल IR थ्योरी का प्रयोग कर रहा हूं, इस शब्द का क्यों नहीं कर रहा हूं आइडियलिज्म शब्द का प्रयोग, ये क्लियर हो जाएगा जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लिबरल IR थ्योरी के अकॉर्डिंग वॉर क्यों होता है, यहां पर हम बात करेंगे इन जनरल भी और इन पर्टिकुलर भी। इन जनरल हम हर वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो लिबरल IR थ्योरी ने दो रीजंस दिए। पहला रीजन उन्होंने दिया, ऑटोक्रेटिक लीडर्स के वजह से वॉर होता है, और वर्ल्ड वॉर वन खासकर ऑटोक्रेटिक लीडर्स की वजह से हुआ। ऑटोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं? ये उन कंट्रीज से आते हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं। ओके, तानाशाह, डिक्टेटर, ऑटोक्रेटिक लीडर्स। ओके, इन लीडर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई पब्लिक प्रेशर नहीं होता। ओके, किसी पब्लिक ओपिनियन को के बारे में ये नहीं सोचते, ये ऑटोक्रेटिक होते हैं। और ऑटोक्रेटिक होने के वजह से, हिंदी में इन्हें निरंकुश हम कहते हैं, कोई अंकुश नहीं, निरंकुश। ओके, ये ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं, और ऑटोक्रेटिक होने की वजह से ये अपने इंटरेस्ट को, अपने सेल्फिश इगोइस्टिक इंटरेस्ट को ये परस्यू कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ओके, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इन्हें लगता है कि वॉर एक माध्यम है इनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने का, तो ये वॉर करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इन्हीं ऑटोक्रेटिक लीडर्स की वजह से किसी भी युद्ध की शुरुआत होती है।
आज के समय में अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ ऑटोक्रेटिक लीडर का, तो आपको पता होगा ये एग्जाम्पल क्या है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, ये एक एग्जाम्पल है, ही इज एन एग्जाम्पल ऑटोक्रेटिक लीडर के। ओके, तो क्योंकि इन ऑटोक्रेटिक लीडर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रेन नहीं होता, कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये अपने इंटरेस्ट को, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वॉर भी इनका एक माध्यम हो सकता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वॉर की शुरू, वॉर क्यों होता है इसके पीछे, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न लिबरल आईआर थ्योरी ने हमारे समक्ष रखा। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है अलायंस सिस्टम। ये इन पर्टिकुलर हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है अलायंस सिस्टम। ओके, तो पहले रीज़न में तो ये बात समझ में आ गई कि ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो है वो वॉर की शुरुआत करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी वॉर में पार्टिसिपेट की। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया। ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे कारण है अलायंस सिस्टम। ओके, ये अलायंस सिस्टम ही है जिसने पूरे यूरोप को युद्ध में ढकेल दिया। ओके, पूरे यूरोप को कैसे, इसे आप समझिए। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने जब सर्बिया पे अटैक किया, सबसे पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने सर्बिया पे अटैक किया। अटैक देखिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी सिर्फ सर्बिया पे कर रहे हैं, लेकिन सर्बिया जो है वो रशिया के साथ अलायंस में था। तो जब सर्बिया पे अटैक होता है तो रशिया की ये ड्यूटी बनती है कि वो सर्बिया की मदद करने के लिए वो भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। ओके, जब रशिया इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है सर्बिया की वजह से, और रशिया भी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अलायंस में था, तो रशिया जब इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, तो क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस वो भी रशिया के साथ अलायंस में है, उन्हें भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ओके, तो रशिया ने क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि सर्बिया पे अटैक हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि रशिया भी अब वॉर में इन्वॉल्व हो गया। तो आप इसे समझ सकते हैं, ये अलायंस सिस्टम है। इसी अलायंस सिस्टम की वजह से वॉर दो कंट्रीज के बीच स्टार्ट होता है, लेकिन वो एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाता है। ओके, तो लिबरल आईआर थ्योरी ने ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हमारे समक्ष रखे वॉर क्यों होता है, इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए। अब बात है कि वॉर को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ओके, वॉर को अवॉइड करने के लिए लिबरल आईआर थ्योरी ने दो सॉल्यूशंस दिए। पहला, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, इंटरनेशनल सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाए जो कंट्रीज के बिहेवियर, कंट्रीज के एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सके। ओके, और कंट्रीज अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इन इंस्टीट्यूशन, इन रूल्स, इन रेगुलेशंस का इस्तेमाल करें, नेगोशिएशंस का इस्तेमाल करें, ना कि वॉर का इस्तेमाल करें। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करके हम वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, दूसरा सॉल्यूशन ये होगा कि जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी रिफॉर्म किया जाए। ऑटोक्रेटिक कंट्रीज अगर डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाती हैं तो जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं उनके ऊपर एक पब्लिक प्रेशर होगा, पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर होगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी, और इसकी वजह से जो लीडर्स हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करके, इंटरनेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करके हम जो है वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन हमें दिया जा रहा है लिबरल आईआर थ्योरी के द्वारा, इन सॉल्यूशंस के पीछे जो फिलॉसफी है वो लिबरलिज्म की फिलॉसफी है। ओके, और लिबरलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि ह्यूमन बीइंग रैशनल होते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है, रीजन होता है, और ह्यूमन बीइंग अपने रैशनैलिटी, अपने रीजन को अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई करें तो कंट्रीज के बीच कॉपरेशन को वो अचीव कर सकते हैं। हम अपने रीजन को, अपने रैशनैलिटी को इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई करके वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर कंट्रीज
एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, अपने डिस्प्यूट्स को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए वो पीसफुल तरीकों का इस्तेमाल करें, हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो लिबरल आईआर थ्योरी का जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो लिबरलिज्म से आता है। ओके, और इन आइडियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट करने का काम दो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स ने किया लिबरल आईआर थ्योरी के अंतर्गत। ओके, लिबरलिज्म सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस के शुरुआती दिनों में दो इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट, दो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स उभर कर सामने आते हैं जिन्होंने इन आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करके दुनिया के समक्ष रखा, वुड्रो विल्सन और नॉर्मन एंगल। हम इन दोनों थ्योरिस्ट्स को एक एक करके देखेंगे। वुड्रो विल्सन अमेरिका के 28th प्रेसिडेंट, 1913 से लेकर 1921 तक वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ओके, वो लिबरल डेमोक्रेसी के बहुत बड़े सपोर्टर थे और उन्होंने अपना ये एम बना लिया था कि लिबरल डेमोक्रेसी को पूरे यूरोप में स्प्रेड करना है। ओके, यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में लिबरल डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कंट्रीज, अधिक से अधिक कंट्रीज अगर डेमोक्रेटिक बनती हैं तो वॉर, युद्ध की संभावनाएं कम होंगी। वुड्रो विल्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन प्रेसिडेंट होने से पहले वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी थे, तो इससे पता चलता है कि वो एक थ्योरिस्ट भी थे। ओके, तो उन्होंने अपने आइडियाज को 14 पॉइंट में समराइज किया और अपने इन 14 पॉइंट को उन्होंने जनवरी 1918 में कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स का जो कांग्रेस है वहां पे उन्होंने एक स्पीच दिया और उस स्पीच में उन्होंने अपने इन 14 पॉइंट्स को दुनिया के सामने रखा। वुड्रो विल्सन के आइडियाज इन्फ्लुएंशियल थे और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वॉर वन के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि वर्ल्ड वॉर वन का दोषी कौन है, किसे कितना सजा मिलना चाहिए। एक पीस कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड वॉर वन, हर वॉर के एंड के बाद एक पीस कॉन्फ्रेंस होता है, तो वर्ल्ड वॉर वन के एंड के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नतीजा आया ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ओके, तो इस पीस कॉन्फ्रेंस में वुड्रो विल्सन के आइडियाज को बहुत अधिक यूज किया गया। ओके, वुड्रो विल्सन को 1919 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। वुड्रो विल्सन के आइडियाज को हम दो मेन पॉइंट में समराइज कर सकते हैं, दो मेन पॉइंट में। पहला उन्होंने पॉइंट रखा कि डेमोक्रेसी प्रमोशन, दुनिया में अगर अधिक से अधिक कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर डेमोक्रेटिक बन जाती हैं तो वॉर की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वुड्रो विल्सन का ये मानना था कि दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज कभी आपस में नहीं लड़ती, वो अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करती हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को वो नेगोशिएशंस के माध्यम से वो रिजॉल्व करती हैं। तो यदि अधिक से अधिक कंट्रीज डेमोक्रेटिक बन जाए, डेमोक्रेसी को अपना ले, तो वॉर की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ओके, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी बात की, क्योंकि 1920s का जो दौर था उस वक्त विश्व में ब्रिटेन, फ्रांस की बहुत सारी कॉलोनीज थी। ओके, ब्रिटेन का अपना एम्पायर था, कॉलोनीज थी, फ्रांस का अपना एम्पायर था, उसकी कॉलोनीज थी, और ये जितनी भी कॉलोनीज हैं, इंडिया भी एक कॉलोनी था, वो डिमांड कर रही थी फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का। तो वुड्रो विल्सन ने कहा कि इन कॉलोनीज का ये अधिकार है, कॉलोनीज में जो लोग हैं उनका ये अधिकार है कि वो अपना इंडिपेंडेंस अचीव कर सके और अपने गवर्नमेंट को वो खुद इलेक्ट कर सके। ओके, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब यही है कि कॉलोनीज के राइट को वो हाईलाइट कर रहे हैं, जितने भी कॉलोनीज हैं उनके राइट को वो हाईलाइट कर रहे हैं कि इन कॉलोनीज का अधिकार है कि वो अपना शासन खुद कर सके, अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सके, अपने गवर्नमेंट को वो खुद चुन सके। तो इन दो बातों पर उन्होंने फोकस किया। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप किसी कॉलोनी को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने गवर्नमेंट को खुद चुने, तो जब लोग एक गवर्नमेंट चुनते हैं तो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होगा। ओके, तो डेमोक्रेसी प्रमोशन का ही ये एक तरीका था। ओके, दूसरा जो उनका मेन आइडिया था वो था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना। उन्होंने अपने 14 पॉइंट प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर बहुत अधिक फोकस किया और वो ये था कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिस्टम में एक
ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है जो कंट्रीज के एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। तो वर्ल्ड वॉर वन से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। कंट्रीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने के लिए सीक्रेट डिप्लोमेसी किया करती थी। बैलेंस ऑफ पावर, दैट मीन्स अलायंस सिस्टम का मतलब यही है, बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स हुआ करता था। और अभी हमने देखा कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट है, ये जो अलायंस सिस्टम है, ये सीक्रेट डिप्लोमेसी है, ये वॉर की स्थिति में ये वॉर को और अधिक बढ़ावा देती है। तो वुड्रो विल्सन ने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज के बिहेवियर को रेगुलेट करे, जो कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को इंटरनेशनल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करे, और कंट्रीज इन्हीं रूल्स, इन्हीं नॉर्म्स, इन्हीं रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें और कॉपरेट करें। तो प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी और क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो इंपॉर्टेंट बात वुड्रो विल्सन ने कही। इसके बाद हम आते हैं नॉर्मन एंगल की तरफ। नॉर्मन एंगल ने 1909 में एक किताब लिखी, द ग्रेट इल्यूजन। इस किताब में उन्होंने कहा कि वॉर बेनिफिशियल हो सकता है, वॉर इज बेनिफिशियल विनर्स के लिए। अगर दो कंट्रीज के बीच वॉर होता है तो जो विनर है उसे लगता है कि ये वॉर मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये इल्यूजन है, ये एक मिथ है, ये झूठ है। वॉर कभी भी किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। नॉर्मन एंगल ने कहा कि वॉर कभी भी किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता, और उन्होंने अपने अपने इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि मॉडर्न टाइम, दैट इज 20th सेंचुरी में, वॉर की जो यूटिलिटी है वो खत्म हो गई है। पहले पहले 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, उस वक्त जो प्राइमरी मोड ऑफ प्रोडक्शन हुआ करता था वो था लैंड। लैंड, तो अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करता है और उस कंट्री के लैंड को वो एक्वायर कर लेता है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है कंट्री के लिए। लेकिन जो मॉडर्न टाइम है, इंडस्ट्रियल पीरियड है, यहाँ पर जो प्राइमरी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो लैंड नहीं है, वो इंडस्ट्रीज है, वो कैपिटल है, वो इंडस्ट्रीज है। तो लैंड की यूटिलिटी लगभग खत्म हो गई है। तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इससे आपको नुकसान ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा अगर दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर करती हैं? तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वॉर के पहले अगर उन कंट्रीज के बीच कोई ट्रेड हो रहा था या कोई कॉमर्स हो रहा था, वो वॉर के बाद बंद हो जाएंगी। क्योंकि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अब लैंड नहीं है, वो फैक्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज है, तो लैंड की यूटिलिटी अब उतनी नहीं है। तो अभी अगर आपके साथ कोई कंट्री ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व है, लेकिन वॉर के बाद जो ट्रेड और कॉमर्स है वो खत्म हो जाता है उस कंट्री के साथ, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस होगा। तो नॉर्मन एंगल ने कहा कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को अगर हम बढ़ावा दें, अगर कंट्रीज एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक ट्रेड करें, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगा। और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होने के बाद कंट्रीज को ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैं अगर एक कंट्री ये से समझ में आ जाएगा कि अगर हम दूसरे कंट्री के साथ युद्ध में जाते हैं, वॉर करते हैं, तो हमें नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि अभी जो हमारा ट्रेड हो रहा है और इस ट्रेड से अभी जो हमें लाभ हो रहा है, ये लाभ होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम वॉर का सहारा नहीं लेते हैं, हम किसी और माध्यम से अपने डिस्प्यूट्स, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं पीसफुल तरीके से। आज के समय में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का ये जो दौर है वो कुछ ऐसा ही है। कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है। वॉर अब एक माध्यम नहीं है अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, क्योंकि कंट्रीज को पता है कि अगर वॉर के माध्यम से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए तो उन्हें इकोनॉमिक लॉस बहुत अधिक होगा, और कोई भी कंट्री इस इकोनॉमिक लॉस को बियर करना नहीं चाहता। तो ये नॉर्मन एंगल का आर्ग्यूमेंट्स था। तो 1920s की अगर हम बात करें, तो ये जो लिबरल आइडियाज हैं ये काफी सक्सेसफुल थे।
लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है 1919 में, वुड्रो विल्सन के आइडिया से प्रेरित होकर। वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले ये कहा था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो कि हर कंट्रीज, दुनिया में जितने कंट्रीज हैं उनके एक्टिविटीज़, उनके बिहेवियर्स को रेगुलेट करे। तो लीग ऑफ नेशन बनता है 1919 में। केलॉग ब्रियांड पैक्ट 1928 में एक एग्रीमेंट आता है जहां पर कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं कि अगर उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो वो अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुल तरीके से सुलझाएंगी, ना कि वॉर का सहारा लेकर। वॉर का जो सहारा है वो एकदम अल्टीमेट पॉइंट पे, एकदम लास्ट रिजॉर्ट होगा, वो एक लास्ट ऑप्शन होगा वॉर। ओके, और वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए। अदरवाइज कंट्रीज जो हैं वो अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी। ओके, अब यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर लिबरल थ्योरीज इतनी सक्सेसफुल थी 1920s के दौरान, तो फिर इन आइडियाज को, लिबरल आइडियाज को, लिबरल थॉट्स को आइडियल क्यों कहा गया? आइडियलिज्म शब्द इनके लिए प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि आइडियलिज्म जो शब्द है इसका मतलब ही ये होता है कि आइडियलिज्म हम किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं, वो चीज जो कि प्रैक्टिकल ना हो, जिसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सके, प्रैक्टिकली जिसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकते, जिसे जमीन पर नहीं लाया जा सके, जो बस एक आदर्श बनकर सीमित रह जाएगा। ओके, तो इन आइडियाज के लिए, इन थिंकिंग्स के लिए, इन थॉट्स के लिए हम आइडियलिज्म शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों इस वीडियो का टाइटल आइडियलिज्म है? ओके, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें 1920s से निकलकर 1930s और 40s में जाना होगा। ये वो पीरियड है जहां पर जो भी घटनाएं घटेंगी वो जस्ट अपोजिट होंगी। लिबरल थ्योरीज ने जो भी प्रिडिक्शंस किए, जो भी एजम्पशंस उन्होंने अपना रखा, उनके जस्ट अपोजिट घटनाएं घटेंगी 1930s और 40s में। तो 1920s का जो दौर था, उस दौर में जो घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं को समझाने के लिए लिबरल थ्योरी ठीक थी, सटीक थी। लिबरल थ्योरी, लिबरल आइडियाज को यूज करके हम 1920s में घटने वाली घटनाओं को समझा सकते थे, लेकिन 1930s और 40s में जो घटनाएं घटने लगी उन्हें समझाने के लिए हम लिबरल थ्योरी का सहारा नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो घटनाएं घट रही थी वो जस्ट अपोजिट थी, जस्ट जस्ट अपोजिट थी। जो जो प्रिडिक्शंस किए गए थे लिबरल थ्योरी के द्वारा, उन प्रिडिक्शंस के जस्ट अपोजिट थी। जैसे वुड्रो विल्सन ने कहा था कि धीरे धीरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या जो है वो बढ़ती जाएंगी, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हो रहा था। 1930s और 40s में डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियनिज्म ईस्टर्न यूरोप में खासकर धीरे धीरे फैल रहा था। हिटलर का जर्मनी, मुसोलिनी का इटली, स्पेन, यूगोस्लाविया, पोलैंड, इन सारे कंट्रीज में धीरे धीरे अथॉरिटेरियन रूल आ रहे थे। डेमोक्रेसी बढ़ने के बजाय घट रहा था, डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। वुड्रो विल्सन ने यह अनुमान लगाया था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद धीरे धीरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या जो है वो बढ़ेंगी, लेकिन इसके जस्ट विपरीत हो रहा था। इसके बाद बहुत ही उम्मीद के साथ लीग ऑफ नेशन की को एस्टैब्लिश किया गया था, ये सोचकर कि लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगी और दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें वो रेगुलेट करेंगी, उनके एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगी। ओके, कुछ नॉर्म्स और कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगी जिसके माध्यम से कंट्रीज आपस में कॉपरेट कर सके, और वॉर की संभावनाओं को कम कर सके, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हो रहा था। 1930s और 40s में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि लीग ऑफ नेशन एक बहुत ही वीक इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही वीक इंस्टीट्यूशन है। इसके वीकनेस का पता सिर्फ इसके मेंबरशिप से पता चलता है। आप इसके मेंबरशिप को देखिए, लीग ऑफ नेशन के मेंबरशिप को देखिए। जो भी इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज थी वो या तो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूएसए सुपर पावर, उस वक्त की सबसे पावरफुल कंट्री, वो खुद लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं थी। और जो कंट्रीज लीग ऑफ नेशन का हिस्सा थी भी, वो या तो वो सीरियस नहीं थी, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस लीग ऑफ नेशन का हिस्सा थी लेकिन वो सीरियस नहीं थी, और बाकी कंट्रीज जो लीग ऑफ नेशन का हिस्सा थी वो या तो लीग ऑफ नेशन को उन्होंने बहुत लेट में ज्वाइन किया,
या उन्होंने ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया, जैसे जर्मनी। जर्मनी ने 1926 में ज्वाइन किया लीग ऑफ नेशन को और 1933 में छोड़ दिया। जापान ने भी 1933 में छोड़ दिया। रशिया ने 1934 में ज्वाइन किया और 1940 में रशिया को एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि रशिया ने फिनलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस क्या था लीग ऑफ नेशन का, कि लीग ऑफ नेशन ने वर्ल्ड वॉर टू को होने से नहीं रोका। लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद भी वर्ल्ड वॉर टू हुआ, ये सबसे बड़ा वीकनेस था लीग ऑफ नेशन का। उसके बाद नसे के नॉर्मन एंगल ने बात की थी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की। तो 1929 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया यूरोप में, अमेरिका से इसकी शुरुआत थी, वॉल स्ट्रीट क्रैश वहाँ से इसकी शुरुआत होती है इकोनॉमिक डिप्रेशन की। तो 1929 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, इसके बाद हर कंट्री जो है, जो भी ट्रेड इकोनॉमिक डिप्रेशन से पहले जो कुछ भी ट्रेड हो रहा था इन कंट्रीज़ के बीच में, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी ट्रेड हो रहा था, वो इंटरनेशनल ट्रेड एकदम ज़ीरो पे आ जाता है। क्योंकि इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाने लगती हैं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब यही है कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है और इम्पोर्ट्स, बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं उन गुड्स को हमें रोकना है, डिस्करेज करना है। कैसे? जो टैक्स लगाया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, जो ड्यूटीज उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, उन टैक्स को बढ़ा के प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी कंट्रीज अपनाने लगी। तो नॉर्मन एंगल ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज हैं उनके बीच इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगा, लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रही हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेज करना चाहती हैं। तो 1930s और 40s में ये जो घटनाएं घट रही थी, ये जस्ट अपोजिट थी लिबरल थिंकिंग के, जस्ट अपोजिट थी लिबरल थ्योरी के, जस्ट अपोजिट थी। तो एक क्रिटिसिज्म इस दौरान, इस पीरियड में लिबरल थिंकिंग को लेकर एक क्रिटिसिज्म उभरता है, ठीक है। और ये जो क्रिटिसिज्म है, इसी क्रिटिसिज्म की वजह से लिबरल थिंकिंग को आइडियलिज्म कहा जाता है। लिबरल थिंकर्स जो थे, लिबरल स्कॉलर्स जो थे, उन्होंने कभी भी अपने लिए खुद आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आइडियलिस्ट शब्द जो है, अगर आप अपने लिए आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप इम्प्रैक्टिकल हैं, आप जो भी कुछ कह रहे हैं उन्हें कभी ज़मीन पे उतारा नहीं जा सकता। तो ये जो लिबरल थिंकर्स थे, लिबरल स्कॉलर्स थे, चाहे वो वुड्रो विल्सन हो या नॉर्मन एंगल हो, इन्होंने कभी भी अपने लिए आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया। इनके लिए आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग इनके क्रिटिक्स ने किया। और सबसे बड़ा क्रिटिक कौन था? रियलिस्ट अप्रोच, जो इस पीरियड में उभर कर सामने आएगा, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो रियलिस्ट थिंकर्स थे, रियलिस्ट स्कॉलर्स थे, इन्होंने लिबरल थिंकिंग के लिए आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग किया और अपने थिंकिंग को रियलिस्ट बताते हुए इनके थिंकिंग को उन्होंने आइडियलिज्म का नाम दिया। और आइडियलिज्म का नाम इसलिए दिया क्योंकि 1930s और 40s के दौरान इनके जो आइडियाज थे वो इम्प्रैक्टिकल लग रहे थे, क्योंकि जो भी घटनाएं घट रही थी यूरोप में वो जस्ट अपोजिट थी लिबरल थ्योरी के, जस्ट अपोजिट थी। तो ये है आइडियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये है आइडियलिज्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रियलिज्म को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।